तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे, जो कि है इस रूट्स निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और हमें यूज करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे सॉल्व करना है मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, तो आप उसे जरूर देखिएगा और फिर इस वीडियो को भी अच्छे से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी वीडियो को आप पूरा देखें तभी उस क्वेश्चन पर बेहतर तरीके से पकड़ बन पाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। तो हमने कहा था कि ज्यादातर क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रखना है, इसलिए वीडियो में बताया था मैंने। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रखने के लिए 2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो एवरी टर्म में करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 7/2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 है तो 3/2 आ जाएगा। अब इस 3/2 को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस। तो मैंने बताया था कि या तो फार्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बनेगा या तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम इसको बनाएंगे। तो यहां पर माइनस यानी हमको मिलेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए तो हमको मिल गया, ए स्क्वायर है ये, और ये होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस 2ab + b², तो -2ab होना चाहिए। तो 2 ये तो हमको मिल गया है x। अब b क्या होगा? तो b मैंने बताया था कि इस टर्म में इस टर्म से डिवाइड कर देंगे तो आपको b मिल जाएगा। तो चलिए 7/2 x में 2x से डिवाइड करते हैं इस वाले टर्म से, तो x x कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 7/2 है, ये कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई में और ये हो जाएगा 7/4। तो ये आ गया हमारा b 7/4। अब उस फॉर्मूले में ए स्क्वायर माइनस 2ab के बाद होता है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी बी यानी 7/4। अभी तो हमने लाया ना बी, तो 7/4 बी बी का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में -3/2 है। देखिए हमने इसको अलग से ऐड किया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो राइट हैंड साइड भी में ऐड करना पड़ेगा। तो ये अब बन गया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे? ए स्क्वायर माइनस 2ab + b² तो इसके जगह पर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और राइट हैंड साइड में हमारा है 3/2 -3/2, और यहां पे है 3/7 का स्क्वायर यानी 49, और 4 का स्क्वायर 16। तो इसको तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम करेंगे सॉल्व इसको। तो यहां पर 16 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, 16 से 16 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 है, फिर यहाँ पे माइनस से माइनस डाल देंगे, 2 से 16 को डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 कट से मल्टीप्लाई 24 आएगा। अब घटाएंगे 25 आएगा, नीचे 16 आएगा, यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटा के इधर क्या लगा देंगे रूट, यहां से हमने स्क्वायर हटा दिया, इधर क्या लग जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 25/16। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5,
और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और ये इधर चल रहा है x माइनस 7 अपॉन 4। तो अब हम इस पार्टिकुलर स्टेप यहां पर, क्योंकि रूट हमों को दो तरह से मिलेगा, एक रूट दूसरा मिलेगा, एक रूट दूसरा मिलेगा, दो रूट मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, और किसी भी इक्वेशन की पावर 2 यानी उसके दो वैल्यू निकलेंगे। तो एक्स की यहाँ पे दो वैल्यू निकली, एक बार हम जब प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार हम जब माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार प्लस के साथ सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 5/4, ये उधर ट्रांसफर करेंगे 7/4, और ये 4/4 का एलसीएम 4, और यहाँ पे आ जाएगा 5/7 12/4, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, यानी कि एक्स की पहली जो वैल्यू है वो 3 आ गई। तो नाउ अगेन हम यहाँ पर माइनस रख के सॉल्व करेंगे, तो -5/4, और फिर जब हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू -5/4 प्लस 7/4, और 4/4 का एलसीएम लेंगे हम 5/7, और ये आएगा 2/4, यानी 2 × 2 = 4, यानी 1/2। एक्स के दो रूट आ गए हैं, पहला आया 3 और दूसरा आया 1/2। तो यही हमारे दो रूट होंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, यहाँ पे हमने स्क्वायर कंप्लीट किया फिर वैल्यू, तो रूट निकाल लिया। तो इस तरह से हम रूट निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन में 2x² + x - 4 = 0 को रूट निकालना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, और 4 को उधर ट्रांसफर करके 2 से डिवाइड करेंगे तो +2 आ जाएगा। फिर ये तो अब यहाँ पे प्लस, यानी ये प्लस बी के होल स्क्वायर पे ही सॉल्व होगा ये, तो ये a है इस पर 2a। अब b हमको कैसे चाहिए, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो x/2 / 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 × 1/2, ये कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, ये आएगा 1/4। तो हमने क्या मिल गया, अभी 1/4। तो x² + 2ab + b² हमारा 1/4 आया है इसका स्क्वायर। हमने अलग से ऐड किया इसको लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी 1/4 के होल स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। अब इसको ऐसे ही रहने देना है ना, और हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 1 है यहाँ पे नीचे, 1 और 16 का एलसीएम 16 आएगा, 1 से 16 को डिवाइड करेंगे 16 आएगा, और 16 का 2 से मल्टीप्लाई 16 × 2 = 32, 16 से 16 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगा। अब 1/4 = 32 और 133, और 16 ये है नीचे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा प्लस माइनस रूट 33/16। अब 33 का तो कोई परफेक्ट, 33 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 33 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो इसको अब हम एक बार प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के साथ हमारा रूट निकल जाएगा। तो चलिए पहले हम प्लस के साथ सॉल्व करते हैं, तो √33/4, तो 1/4 उधर हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो प्लस हो जाएगा माइनस,
फिर 4 और 4 के एलसीएम हम 4 लेंगे, 4 से 4 पे डिवाइड करेंगे 31 आएगा, 1 से 33 से मल्टीप्लाई √33 ही आएगा, फिर बीच में माइनस है, 4 से 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर आया, पहला रूट आया सही। तो दूसरा रूट के लिए अगेन हम यहाँ पर माइनस रख के एक बार सॉल्व करते हैं। तो माइनस √33/4 अभी उधर ट्रांसफर कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू √33/4 -1/4 -√3। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो वही चीज आएगा, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का √33 से मल्टीप्लाई उतना ही आएगा, माइनस अभी माइनस डाल देंगे, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हमको दो रूट मिलता है, पहला रूट ये है, तो √33 -1/4, और दूसरा रूट है -√33 -1/4। तो यही है दो रूट, होपफुली समझ में आया होगा आपको। चलिए शॉर्ट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो दिखने में ये भले ही ट्रिकी लग रहा हो है, लेकिन ये बहुत ईजी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला हम सबसे पहले करते हैं इसका x² का कोफिशिएंट को हम 1 करते हैं, तो 4 है यहाँ पर, तो हमको 4 से सभी टर्म में डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 कैंसिल हो जाएगा, और 3 को उधर ट्रांसफर करके हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 उधर ट्रांसफर होगा तो प्लस से माइनस होगा। अब हमको ये यहाँ पे प्लस है, तो a + b² पे बनाया, तो a² + 2a हमको मिल गया। b क्या, इन दोनों टर्म को डिवाइड करो तो डिवाइड करिए तो x x कैंसिल हो जाएगा और √3/2 आएगा, तो √3/2 हमारा b हो गया, ठीक है। और b का स्क्वायर यानी √3/2 का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने अलग से √3/2 को ऐड किया है, स्क्वायर को ऐड किया, तो हमको राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा ताकि जो बैलेंस है वो बना रहे। तो प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। अब इसमें a + b का होल स्क्वायर बन गया है, तो b हमको मिला है √3/2 का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² a + b का होल स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर 3 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये -3/4। तो देखिए दोनों नंबर इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो उसी तरह अगर हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे और रूट के ऊपर ओवर रूट लगेगा, ओवर रूट 0 होगा, और √0 की वैल्यू 0 ही होगी, तो ये हो जाएगा हमारा उसका स्क्वायर √0 का स्क्वायर √0। तो अगर हम उधर ट्रांसफर करें इसको, तो ये आएगा प्लस से माइनस। तो चाहे हम यहां पे अगर एक बार प्लस रख के सॉल्व करें तो भी यही आंसर आएगा, और अगर यहां पे माइनस रख के सॉल्व करें तो भी यही आंसर आएगा, यानी कि जो दो रूट होंगे हमारे वो इक्वल होंगे, दो इक्वल रूट होंगे इस पार्टिकुलर सॉल्यूशन के। तो चलिए नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।